डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में समाजवादी छात्र सभा और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के कैब के विरोध में प्रदर्शन की सूचना पाकर प्रशासन अलर्ट पर आ गया। सूचना मिलते ही एसपी सिटी आगरा और एडीएम पुलिस फोर्स के साथ यूनिवर्सिटी पहुंच गए। इसे देख छात्रों ने अपने प्रदर्शन को स्थगित कर दिया। देखिए, हमारी एलआईयू की टीम लगातार सतर्क है, साइबर की टीम लगातार सतर्क है। उन्हीं के इनपुट पे हमें जहां जहां पता चल रहा है कि कई कुछ एरियाज में विरोध प्रदर्शन हो सकता है या समर्थन में हो सकता है, जो भी है उसके लिए हम लोगों ने नजर हम यदि बनाई रखी है और उस स्पॉट्स पे हमारी ड्यूटी भी डिप्लॉयड है। इसके अलावा जो राइट स्कीम है हमारी, उसके अंतर्गत जो स्पॉट्स चिन्हित किए गए, करीबन 100 से ज्यादा स्पॉट्स है, उस पे भी लगातार कल रात से ड्यूटी लगाई गई है। आगरा यूनिवर्सिटी को लेकर क्या सूचना है? आगरा यूनिवर्सिटी को सूचना मिली थी कि कुछ विरोध में लोग खड़े होने वाले हैं, प्रदर्शन करने वाले हैं, उन्हीं के लिए हमने फोर्स का भी डिप्लॉयमेंट करा दिया है। प्रदर्शन पर रोक है या हिंसक प्रदर्शन पर रोक है, कोई बात आदमी कह सकता है या नहीं कह सकता? क्या कहें? बिल्कुल, हिंसक प्रदर्शन पर तो रोक है ही है, इसीलिए फोर्स का डिप्लॉयमेंट करके कुछ ऐसी घटना ना हो जिसकी वजह से सभी लोगों को दिक्कत हो। नहीं, आगरा में सेक्टर स्कीम लागू है, सारे थाना क्षेत्रों में हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट और पुलिस के मजिस्ट्रेट जमा कर रहे हैं। इस आगरा जनपद में कहीं भी किसी प्रकार की कोई जो है पत्र या उसका नहीं होने दिया जाएगा। नहीं, ग्रुप में धारा 144 के अंतर्गत है, तो जो गैदरिंग है वो पूरी तरीके से प्रतिबंधित है, बिना अनुमति किसी को दी नहीं गई है, और अगर कोई प्रदर्शन करेगा तो उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो समर्थन में हो चाहे विरोध। नहीं, जो भी हो, प्रदर्शन जो करेगा बिना अनुमति के उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।